वेलकम टू बीएससी कोचिंग। बीएससी कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीएचएसएल के फिर नए क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सोम मिश्रा आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ और हम लोग आज सेट 11 एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश सेट 11 को हम लोग आज डिस्कस में रखेंगे। आप लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं और ये जो आप लगातार टेस्ट दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक गुड साइन है आपके करियर के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। जितना आप टेस्ट देंगे उतना आप बेस्ट होते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और आज तक मैंने कभी किसी को ऐसे बच्चे को नहीं देखा, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं देखा जो बिना मॉक के बिना टेस्ट के रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट देने के लिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितना भी नॉलेज क्यों ना रखते हो, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने का जो सबसे बढ़िया ट्रैक है, जो तरीका है, वो हम लोग का मॉक टेस्ट ही है। तो आइए हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने कैसे थॉट डाला है, और इस डिस्कशन के बाद आप ये महसूस करेंगे कि हमें और इसमें क्या इंप्रूवमेंट ला हम लोग सकते हैं। आइए बिना देर के हम लोग सीधे क्वेश्चंस के साथ जुड़ते हैं। तो क्वेश्चन एक रहा, जैसा कि मैं पिछले बार भी बोला था कि सबसे पहले मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे जो क्वेश्चन को देखेंगे, तो अगर मैं सीधे बताता जाऊंगा तो वो तो सुनते जाएंगे, लेकिन 30 सेकेंड्स देंगे कि आप कम से कम एक बार अपने ट्राई कीजिए। ये हम लोग सारे पेपर में ऐसा ही करते आ रहे हैं। मैं बार बार ये बोलना पड़ता है मेरे को कि हो सकता है कुछ नए बच्चे जुड़ गए तो इंस्ट्रक्शन वो भी समझ ले। मैं कुछ समय आपको दूंगा पहले आपको कंप्लीट करने के लिए, देन आई विल डिस्कस, ठीक है, ताकि जो नए बच्चे हैं वो क्वेश्चन को देखे, अपने कॉपी में बना ले और फिर वो मैच कर ले, तो उनका तुरंत डिस्कशन हो जाएगा। और जो पहले से बनाए हैं तो बना लिए, उनका डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और ये हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। ये देखिए इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को जो नहीं दिया गया है डायरेक्शन में कि क्या करना है कि फाइंड आउट हिज पार्ट सेंटेंस, मतलब कॉमन एरर बतलाना है आपको, किसी पार्ट में एरर है, अगर नहीं एरर है तो फिर हम लोग जो नहीं नो एरर बताएंगे, ऐसा ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है कि आई रिमेम्बर्ड मिसिज रिच फेस वेल, है ना, आई रिमेम्बर्ड मिसिज रिच फेस वेल एंड आई, और यहाँ पे एंड आई फिर से सब्जेक्ट शुरू हो गया, यहाँ पर एंड आई eagerly sought the familiar image। अब देखिए इस सेंटेंस में जितने सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं तो हम लोग को ये देखना होगा कि ये ग्रामेटिकली प्रॉपर यूज है या फिर किसी का इम्प्रोपर यूज आ गया है। अगर इम्प्रोपर है तो एरर है। तो आप सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर आई रिमेम्बर्ड मिसेज रिच फेस वेल, तो वेल जो है इसमें एल वाई हम लोग जोड़ते नहीं है तो ये सही है, और एंड आई eagerly sought the familiar image, तो इसमें कहीं एरर नहीं है, तो कहीं एरर नहीं है तो इसका आंसर क्या करेंगे, नो एरर, यानी कि पहले का आंसर हम लोग 4 कर लेंगे। पहले का आंसर क्या कर लेंगे, 4। ये सेंटेंस आप बढ़िया से पढ़ेंगे, इसमें कहीं से कोई एरर आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब एरर नहीं है तो क्या हो गया, नो एरर हो गया, ठीक है। तो जब नो एरर है इस पर हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्जाम देते हो, मैं बात एसएससी के सीएचएसएल की कर रहा हूं, तो उसमें या किसी भी एग्जाम में जब कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे डिफिकल्ट आंसर हम लोग का नो एरर ही होता है। यानी कि एरर है तो ए में है तो फिर बी सी डी से हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब आपको मतलब मेजरली पता चल गया कि ए में गलत है या बी में गलत है ऐसे में, तो हम लोग को बाकी से मतलब नहीं है। लेकिन नो एरर का मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं सारे को आपने बहुत मजबूती के साथ देखा और पता चला कि नहीं बिल्कुल सही है, तब जाके हम लोग नो एरर का एक्शन लेते हैं। वैसे सेंटेंस कॉमन एरर के मैक्सिमम देखने में क्या लगते हैं, नो एरर ही लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद फाइनल वो सोचते हैं कि नो एरर लगता है ना, एरर रहता भी है, और कितने लोगों को ऐसा भी लगता है कि एरर देने को दिया गया तो जरूर एरर निकाल देंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं ऐसे वैसे भी। तो हम लोग के पास मतलब नो एरर करने के लिए स्ट्रांग लॉजिक होना चाहिए कि ए बी सी डी सारे पार्ट्स एरर फ्री है, एरर नहीं है, तब जाके नहीं हम लोग नो एरर आंसर करते हैं, ठीक है। तो चलिए नो एरर यहाँ पे आ गया है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 77 को यहाँ पर देखेंगे। चलिए आपके पास पहले टाइम, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको 30 सेकेंड्स टाइम रहेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास टाइम है, और एक मैं आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे टाइम का, और आप फिर मैं बार बार ये वॉच को नहीं भी लाऊंगा तो आपको 30 सेकेंड्स में दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना। आप पहले अपने सोचिए और फिर मैं बताता हूँ। वैसे हम लोग पढ़ेंगे तो जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए भी नया हो जाएगा, और पुराने बच्चे तो ऑलरेडी जो टेस्ट दे चुके हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है, देखेंगे और वो सुनेंगे ही, थोड़ा उनको वेट करना पड़ सकता है, बस फर्क इतना है। तो चलिए यहाँ पे बस इतना ही छोटा सा समय आपके साथ में रखूंगा। बस यहाँ पर आपने पढ़ लिया क्या,
मिस्टर और सिस्टर इट सीम्ड बाय द सर्जन्स ऑर्डर्स नीदर वेंट टू बेड अर्ली दैट नाइट और अब देखिए अब यहां पर एक चीज आपने देखा कि कॉमन एरर के सेंटेंस में सेंटेंस के मीनिंग के चक्कर में आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्टेट बोर्ड से या बिहार बोर्ड से जितने सारे बच्चे हमारे रहते हैं तो वो हर एक बात में बोलते हैं सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा हिंदी मीनिंग क्या होगा। अगर आपको कोई इच्छा होगी तो आप कमेंट करेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया मास्टर आइडिया डेवलप कर रहा हूँ कि आप सेंटेंस में वर्ड्स के कन्फिग्रेशन को पकड़ बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिसर्च करने नहीं पहुंचे, हम लोग इसके आंसर को बनाने आए हैं। तो कैसे सही बनाएंगे, देखिए तो आप लोगों ने पेयर कंजंक्शन पढ़ा होगा, निदर रहता है तो आप जानते हैं ना निदर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं नॉर का, अगर यहाँ पर हम लोग का इधर रहता है तो इधर के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं और का, है ना, हार्डली स्कार्पली रहेगा तो उसके साथ हम लोग वेन का यूज करते हैं, ये सब पढ़े ना, नो शुनर के साथ देन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए आप निदर का यूज करा गया है और निदर के बाद यहाँ पर जो एक नहीं और का यूज किया गया है तो फिर यहाँ पे नॉर होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थ्री थ्री यानी कि डी हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि निदर के साथ नॉर लगता है और यहाँ पर निदर के साथ क्या लग गया है और लग गया है, ये बिल्कुल गलत है, निदर के साथ नॉर ही आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन सारे आसान ही होते हैं, हमारा देखने का नजरिया भले बदल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, फिर मैं थोड़ा सा आपके साथ समय को दे रहा हूं, आप अपने कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए, जो हमारे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और फिर हम लोग इसको डिस्कस में लेते हैं। चलिए आपके साथ मैं भी पढ़ लेता हूं। अ फायर वॉज लिट इन एन अपार्टमेंट, ठीक है, अपस्टेयर्स एंड देयर आई कैरीड आउट बुक्स। अब देखिए यहां पर ये जो वर्ड है आप इसको पढ़ेंगे तो देयर जो है ये दे का जो पॉजेसिव केस होता है, दे का क्या होता है पॉजेसिव केस, हम लोग का क्या होता है देयर, और टी एस ई आर ई देयर ये हम लोग का एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है वहां होता है ना, वहां, हेयर का उल्टा क्या होता है देयर, ये हम लोग समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अ फायर वॉज लिट इन एन अपस्टेयर अपार्टमेंट अपस्टेयर एंड देयर आई कैरिड, यहाँ पे कैरिड का ये क्या है, कैरिड का जो एक नहीं ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ क्या है प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम ये सेंटेंस में पहले भी आ सकता है। देखिए जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर हो गया, आप लोग एडवर्ब अगर पढ़े हैं तो आप इस बात को बढ़िया समझेंगे, ये मैनर हो गया या फिर ये प्लेस हो गया या फिर ये टाइम हो गया, तो ये मेन वर्ब के बाद आते हैं, कहाँ आते हैं मेन वर्ब के बाद में आते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर ये ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहे हैं, तब मेन वर्ब के बाद में ये नहीं आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि सी सैंग ब्यूटीफुली ये सही है, लेकिन सी सैंग ब्यूटीफुली अ सॉन्ग ये गलत है, सी सैंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली ऑब्जेक्ट है तो ब्यूटीफुली यानी एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद होगा, और उसी तरीके से टाइम के साथ भी है और किसके साथ है हमारा प्लेस के साथ भी है, लेकिन टाइम और प्लेस सेंटेंस के शुरू में भी लगाया जा सकता है, टाइम और प्लेस सेंटेंस के शुरू में भी लगाया जा सकता है, जैसे यू कैन गो नाउ या फिर नाउ यू कैन गो ऐसे करके, है ना, तो देयर हमारा ये कैरी को क्वालिफाई कर रहे हैं यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब है, यहाँ पे टी एस ई आर नहीं बल्कि टी एस ई आर ई देयर मतलब वहां का सेंस है ना, तो वहां ये पॉजिटिव प्लेस की बात है नहीं वहां का सेंस है, तो हमारा ये गलत हो गया, यानी कि दो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा टू, तो 78 का हम लोग आंसर कर लेंगे टू, 78 का आंसर क्या कर लेंगे टू कर लेंगे, समझ में आ रहा है हम लोग को, चलिए देयर की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए आगे 79 हमारा क्वेश्चन है, द कैमैन हैड descended and the passengers within were handing in the articles which they wanted him to carry up to the house, चलिए ठीक है, अब ये sentence है, cabman समझते हैं आप लोग, कोचवान जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, the cabman had descended, उतार दिया लोगों को passengers को, और देखिए यहाँ पर एक word लिखा गया है hand in, मतलब ing लगा है, hand in का मतलब क्या होता है, किसी का कोई भी ऑफिशियली मतलब किसी को कोई अथॉरिटी हम लोग दे देते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं हैंड इन, हैंड से हम लोग बहुत सारे वर्ड सुने होंगे ना, हैंड इन हैंड आउट हैंड ओवर ऐसे करके, तो हैंड इन मतलब होता है ऑफिशियली जैसे कि किसी चीज का अधिकार किसी को दे देना, और किसी चीज आदमी को कोई वस्तु देते हैं जैसे आपने अपना जैकेट खोल के किसी को दे दिया तो उसको हम लोग हैंड आउट बोलते हैं, यहाँ पे हैंड आर्टिकल्स की बात हो रही है, वस्तुओं की बात हो रही है, यहाँ पर हैंडिंग आउट हो जाएगा, इन नहीं होगा, इन के जगह पे क्या हो जाएगा आउट, हैंड आउट मतलब होता है किसी भी चीज को किसी को देना, ठीक है ना, हैंड आउट करना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हैंड आउट का यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हैंड आउट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दो, तो हैंडिंग
हैंडिंग इन के जगह पे आपको हैंड आउट करना होगा, ये फ्रेजल की फ्रेजल वर्ब की बात है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रेजेस के चलते ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ 18 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 5 कॉमन एरर है ना, देखते हैं हम लोग। व्हेन डॉक्टर वॉकर हैड डिपार्टेड द एडमिरल पैक्ड ऑल हिज पोजेशंस बैक इनटू हिज आयरन चेस्ट विद द एक्सपेक्टिंग ऑफ वन लिटिल ब्रास बाउंड डेस्क। चलिए अब पहले आप पढ़ेंगे, जैसा कि मैं बोला हूं कि पहले आपको कंप्लीट करना है अपने साइड से, देन हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए आप बताइए, किसी को कुछ इसमें लग रहा है तो आप आंसर पहले बताएंगे। देखिए यहाँ पर आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, विद द एक्सपेक्टिंग ऑफ वन लिटल, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप एक्सपेक्टिंग ऑफ, ये सही लग रहा है क्या? यहाँ पे हमें द लगा हुआ है, यहाँ पे हमें नाउन ऑफ, नाउन का सेंस डेवलप करना चाहिए था। यहाँ पर ये जो है ना एक्सपेक्टिंग जो है ये तो ठीक है नहीं, मतलब एक्सपेक्टिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और द के बाद हम लोग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, द के बाद हम लोग नाउन का यूज करेंगे। और आप अंग्रेजी अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलते हैं तो आप ऐसा कभी बोलते हैं क्या कि एक्सपेक्टिंग ऑफ, हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ है ना, ऐसे करके। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन कर देंगे, एक्सपेक्टिंग नहीं होगा यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन कर देंगे यहाँ पर हम लोग। तो इसका आंसर हम लोग का क्या कर लिए, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे, ये कितने में है, 4 में, इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, 4। बोलिए बात समझ में आ रही है, एक्सपेक्टिंग ऑफ वन लिटल नहीं होगा बल्कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टिंग के जगह पे एक्सपेक्टेशन कर लेंगे। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पाते हैं, बहुत आसान ये क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको प्यार से पढ़ने की जरूरत है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81-85 की बात करेंगे। इसमें जो एक ने क्या किया कि सारे जो क्वेश्चन है हमारे हैं ये बोल्ड रखे गए हैं, कुछ वर्ड इसमें ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है कुल मिला के। इसमें लिखा भी हो गया कि फ्रेजल वर्ब जो इतनी फ्रेज जो दिया गया है, और यहाँ पे तो ये मेड ऑफ जो वर्ब है, बाकी जो इतनी एडजेक्टिव की तरह भी फ्रेज काम करते हैं, नाउन की तरह भी काम करते हैं। हम लोग जो हाईलाइटेड है, मतलब जो बोल्ड करा गया है, उसको क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। आइए देखते हैं इसमें, द टेरियन अराउंड द सोमे, इसका मतलब गीला होता है नहीं, वॉज मेड ऑफ विद प्रीमरली ऑफ चॉक। यहाँ पे देखिए मेड ऑफ जो वर्ड है, मेड ऑफ यानी कि मेड किससे बना है, मेक ऑफ, तो मेक ऑफ का मतलब होता है चुराकर भागना, चुराकर भागना। ये सारे फ्रेजल वर्ब है, जैसे गेट मतलब क्या होता है, पाना, गेट अप मतलब जगना है ना, तो गेट इज अ वर्ब, गेट ऑफ हमारा फ्रेजल वर्ब है, मतलब कि किसी भी वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आता है और उसके मीनिंग में कोई अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है, तो उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, वर्ब की तरह काम कर रहा है तो वर्ब में जोड़ेंगे तो वर्ब ही का काम करेगा। तो आप क्या करेंगे कि उसको याद ही करना पड़ता है हम लोग को, है ना, उसके लिए कोई ग्रामर में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे अगर मान लो गेट मतलब पाना और गेट अप मतलब क्या होता है, जगना, तो हम लोग अपने नहीं बना सकते हैं कि गेट डाउन मतलब सोना, गेट अप मतलब जगना होता है, तो होता है यू हैव टू रिमेम्बर। यहां पर देखिए किसी चीज से बना होना के सेंस में यहां पर है ना, ही वॉज मेड ऑफ विद प्रीमरली ऑफ चॉक, यहाँ पर हम लोग को किसी चीज से कंस्टिट्यूटेड ऑफ होना चाहिए, बना हुआ सेंस होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेड ऑफ ऑफ या फिर मेड ऑफ फॉर या मेड टुवर्ड्स, मेड टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर जाना, की ओर जाना है ना, और नो इम्प्रूवमेंट हो गया। अब मेड ऑफ फॉर और मेड ऑफ, तो मेड ऑफ ऑफ का मतलब होता है से बना हुआ, क्या होता है, से बना हुआ, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए 81 का आंसर आप लोग क्या कर लेंगे, 81 का आंसर फटाफट हम लोग ए कर लेंगे, 81 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब से बना हुआ, तो से बना हुआ के यहाँ पे सेंस है, और मेड ऑफ फॉर का मतलब होता है गलती सुधार करना, गलती सुधार, गलती सुधार करना, ठीक है ना। तो मेड टुवर्ड्स मतलब की ओर जाना, मेड ऑफ फॉर मतलब गलती सुधार करना, और से बना हुआ, तो से बना हुआ का सेंस है, इसलिए हम लोग इसका आंसर ए करेंगे, क्या कर लेंगे बाबू, ए करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मीनिंग पढ़ेंगे, क्या मीनिंग उसमें सूट कर रहा है उसके हिसाब चलेंगे। चलिए फिर यहां पर आपको जो एक नहीं 30 सेकेंड्स मिलता हुआ, यहां पर ये जितने सारे क्वेश्चंस है, मैं पहले बोला हूं कि 30 सेकेंड्स आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि जो हमारे नए बच्चे हैं वो बनाएंगे। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, सभी लोग इसको जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ के बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से।
देखिए यहां पर हम लोग तब तक पढ़ते भी हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिजुआना हैड, गांजे का इसका मतलब गांजे जैसा होता है नहीं, हैव, चलिए टाइम हम लोग का हट गया है, हैव ऑलरेडी बिगन इवन बिफोर द ब्रिट्स टुक अप द कैनेबिस कॉज, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, टेकअप मतलब किसी चीज को टेकअप करना, मतलब शुरू करना होता है, ठीक है ना। टुक बैक मतलब क्या होता है, वापस लेना, टेक अवे मतलब लेकर चले जाना या हटाना, ठीक है ना, हटाना हो जाएगा। और टुक आफ्टर मतलब एक जैसा होना होता है, क्या होता है, एक जैसा होना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मतलब इसको इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, हमारा सेंटेंस क्या है सही है। तो 82 का आंसर आपने डी कर लिया है, 82 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, डी। डी का मतलब नो इंप्रूवमेंट, मतलब यहां पर जो सेंटेंस हमारा सही है, टेक अप द कैनिबल्स कॉज, मतलब इसका मतलब जब से शुरू हुआ या शुरू करना से है, तो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बोलिए बात समझ में आ रही है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और 83 नंबर जो है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स सेंगर सक्सेसफुली लॉबी टू रोल ऑन लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोवाइडिंग और इवन डिस्कसिंग कॉन्ट्रेसेप्शन। चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है, टाइम 30 सेकंड्स में दे ही रहा हूं आपको, चाहे बोर्ड स्क्रीन पे वो टाइम आए चाहे नहीं आए, आप देखिए एक बार इसको फिर से पढ़िए, आराम से पढ़िए और बताइए। तो रोल ऑन का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी चीज को रोल ऑन करना, मतलब उसको कंटिन्यू रहने देना, रोल ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू रहने देना। तो सक्सेसफुली लॉबी टू लीगल रेस्ट्रिक्शंस, यहां पर सेंटेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, इसका सेंस ये दे रहा है कि मतलब कि जो जैसे कोई सी चीज के बदले में कोई कानून बन जाता है, जैसे मान लो कि एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाया गया और पहले मान लो कि कम था, तो फिर हम लोगों ने उसको अपोज किया, ये लोगों ने अपोज किया और फिर उसको उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके फिर पहले जगह पे ला देना, तो उस तरह के सेंस को हम लोग बोलते हैं रोल बैक या रोल आउट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। रोल बैक या रोल क्या बोल सकते हैं इसमें, आउट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर जारी रहना नहीं बल्कि रोल बैक करेंगे, तो इसका आंसर क्या करेंगे, बी कर लेंगे, जो सीधे यहाँ पे नीचे दिख रहा है। और रोल अप का मतलब क्या होता है, रोल अप का मतलब होता है भारी मात्रा में किसी चीज में रजिस्टर करना या रजिस्ट्रेशन करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोल अप बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रोल अप है, तो रोल अप का यहाँ पे कोई सेंस हो नहीं रहा है, रोल अप का तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो रोल अप की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि नहीं है, नहीं है। अब एक बच गया हम लोग का रोल बाय का मतलब क्या होता है कि समय को पास करना, समय को मतलब टाइम पास करना, इस तरह का सेंस होता है, टाइम पास करने के सेंस में हम लोग किसका करते हैं यूज, रोल बाय का। ये फ्रेज है इसीलिए मतलब बदल जा रहा है, ठीक है, ये फ्रेज है, यू हैव टू रिमेंबर। और फ्रेजल वर्ब के क्लास आप यूट्यूब के वीडियो पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाए गए हैं। तो ये फ्रेज है, मीनिंग इसका बदलते रहता है, जैसे कि टेक, तो टेक का मतलब तो लेना होता है, लेकिन टेक ऑफ रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, खोलना है या लैंड करना, या फिर नहीं टेक फॉर मतलब गलती से कुछ दूसरा समझ लेना, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब होता है टू डिलीवर, प्रस्तुत करना, ब्रिंग फोर्थ मतलब टू बी और जन्म देना, ये हम लोग को याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोल बैक मतलब कि फिर से वापस लाना है, उसमें सुधार करके कानून वगैरह में पहले जैसा कर देना, इस तरह का सेंस होता है। तो बाकी देख रहे हैं कि रजिस्टर करना, बहुत भारी मात्रा में रजिस्टर करना या फिर टाइम पास करना, ये तो इसमें सूट ही नहीं कर रहा है। और रोल ऑन मतलब कैरी ऑन, जारी रखना, तो जारी नहीं कर रखना। लॉबी टू उसको मतलब कि उसका पक्ष लेना और उसको पहले जैसा करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। 83 हमारा हो गया। चलिए इसमें भी आपको समय मिलता हुआ, फ्रॉम 1950 अंटिल हर डेथ इन 1997 सी एंड हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, चैरिटी समझ रहे हैं हम लोग, दान वगैरह से मतलब है, बिल्ट इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड केयर टू इल एंड डाइंग एंड स्पोक आउट अगेंस्ट द वर्ल्ड लीडर्स हुज पॉलिसीज क्रिएटेड सच पॉवर्टी, मतलब जिनके पॉलिसी से, जिन नेताओं के पॉलिसी से इस तरह की गरीबी हुई है, तो उनके खिलाफ में, तो स्पोक अबाउट अगेंस्ट, तो ये तो सेंटेंस हम लोग का बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग नो इंप्रूवमेंट करेंगे। स्पोक आउट ऑफ टर्न इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को मूर्खतापूर्ण कहना, जैसे कि कोई बात अगर आप मतलब कि बोल रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं तो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है,
कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कि कोई बोला कि ये कोई ट्रेन स्टेशन पे मान लो कोई लेट से पहुंचा, ठीक है ना, और लेट से पहुंचा और बोला कि अरे यार ये ट्रेन एक मिनट के लिए आपकी बाई ट्रेन छूट जाती है, तो आप पहुंचे पहुंचे बोले किसी से कि यार ये ट्रेन छूट गई कैसे यार, मैं तो टाइम पे हूँ। तो एक आदमी वहां पे खड़ा था, बोला क्या कि अरे यार पैसेंजर बहुत हो गए थे, भर गई थी ट्रेन तो चली गई, है ना, ऐसा तो होता नहीं है, बस थोड़े कहीं से चली जाएगी। लेकिन आप जो इतने ऐसा अगर बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं मतलब ये मतलब ऐसा बात आप बोलेंगे जिसका कोई मतलब और छोर नहीं है, मूर्खतापूर्ण बात कहना है ना। तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर ये स्पोक आउट ऑफ टर्न, है ना। और उसके बाद स्पोक हर माइंड स्पीक समवन माइंड, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो आदमी कोई बात विश्वास करता है आप उसी को बोलते हैं हाँ हाँ ये सही है, मतलब वो उसके माइंड की बात कर रहे हैं, उसके जो उसका जो बिलीविंग सिस्टम है उसी को आप डेवलप कर रहे हैं, हाँ ऐसा है। जैसे कोई आदमी बोला कि हमारे यहाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो बोले हाँ हाँ हमारे यहाँ भी पीते हैं, मतलब उसकी बात को बोलना है ना। और स्पोकअप मतलब किसी चीज के बारे में बोलना, इसमें हम मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों कर सकते हैं। स्पोकअप इन फेवर ऑफ, इसका मतलब हो गया किसी के पक्ष में बोलना, स्पोक अप अगेंस्ट लिख देंगे तो इसका मतलब उसके विपक्ष में बोलना, दोनों यहाँ पर पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट दिया रहता तो हम लोग फिर इसके बारे में भी विचार करते, लेकिन यहाँ पे ये सही है तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, नो इम्प्रूवमेंट, इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट करिए। और 85 नंबर क्वेश्चन इसी डायरेक्शन में है, मतलब इसी जैसा है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है प्रेडिक्टिंग इनटू द मोर इमेडिएट फ्यूचर इज, प्रेडिक्टिंग मतलब किसी चीज के बारे में पहले से कल्पना कर लेना, है ना। सर्टेनली पॉसिबल यूजिंग वाइनोफार्मेटिक्स बाई कंबाइनिंग व्हाट इज नॉन फॉर जेनेटिक वेरिएशन विद मॉडल्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंजिंग गोइंग फॉरवर्ड। अब देखिए आपने इस सेंटेंस को पढ़ लिया, अब इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक वेरिएशन है इसके बारे में की बात हो रही है, तो बारे में बात हो रही है तो इसमें हम लोग को नॉन अबाउट होना चाहिए, मतलब किसी चीज के बारे में अगर कोई आप बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन अबाउट, है ना। और नॉन फ्रॉम मतलब जिस चीज से कोई चीज जाना जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्रॉम, जैसे जिसमें कोई चीज कोई खास बात है उसी से वो जाना जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फ्रॉम, है ना। और नोइंग फ्रॉम मतलब किसी चीज से अगर आप लोकप्रिय होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं तो उसको नो फॉर बोलते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा या नॉन फ्रॉम का हम लोग एक और भी मतलब निकाल सकते हैं कि दो चीजों में अंतर बतलाना, है ना, उसको लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं नॉन फ्रॉम का। और नोइंग नो फ्रॉम का, नो फॉर का हम लोग यूज करते हैं किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है। और नो ऑफ जो है ये ग्रामेटिकली कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग किसी चीज के बारे में की बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या कर लें हम लोग, सी करेंगे, क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है, तो चलिए आपके साथ ये 85 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे हम लोग 86 में। 86 में आइए देखते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया गया है इसको समझते हैं सभी लोग। इसमें हम लोग को क्या करना है ना कि कोई इडियम्स और दिया गया है और क्या करना है कि उसके मीनिंग को आपको समझाना है। देखिए लिखा गया ना इडियम्स दिया गया और उसका मीनिंग क्या होगा, बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेज जो हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं और खास करके एसएससी के एग्जाम के लिए ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो जरूरी से पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे और बनाएंगे तो इसके लिए आपको याद करना होगा। कुछ कुछ आइडिया हम लोग वर्ड से भी ग्रैप कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में बहुत सारा चीज आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप इन द ओशियन, तो कुछ कुछ आइडिया लग रहा है ना कि ड्रॉप इन द ओशियन मतलब ओशियन बहुत बड़ा, उसमें ड्रॉप डाल दिए निकाले लाइक दैट, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, अधिक के बजाय कम, तो कुछ कुछ वो सिंबॉलिक रहेगा लेकिन उसको डायरेक्टली हिट करना है तो आपको याद करना होगा, उसे फेमिलियर होना होगा। तो चलिए कुछ जो एक नहीं हम लोगों के पास यहाँ पर जुड़ चुके हैं इडियम्स, पहला जो है आप इसको पढ़िए, एक बार पढ़िए सभी लोग और पढ़ के आप बनाएंगे पहले, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप बिना देर किए हुए इसको क्या करते हैं कि पढ़ते हैं और पढ़ के आप बताते हैं। देखिए बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फिनिश अ टास्क सक्सेसफुल, नहीं ऐसा मतलब इसका नहीं होता है। डिसाइड टू डू डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट टास्क दैट वन हैज बीन अवॉइडिंग, बिल्कुल मतलब कि कोई ऐसा काम करना, मतलब कि जो लोग करने से क्या कर रहे हैं, कतरा रहे हैं कि नहीं ये कठिन है ये नहीं होगा और आप उसी को कर रहे हैं, बाइट द बुलेट, बुलेट को काट दे रहे हैं आप, है ना, मतलब कि कोई भी कठिन काम है जो सभी लोग कॉमनली करना नहीं चाह रहे लेकिन आप उसको कर दे रहे हैं, कर देंगे, ऐसा आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, तो उस तरह के सेंस को हम लोग बोलते हैं बाइट द बुलेट, यानी कि डिसाइड टू डू अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट टास्क।
डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट दोनों जो है नेगेटिव वर्ड है। अनप्लीजेंट मतलब कि जो आपके लिए मतलब लोगों के लिए लगता है कि ये अच्छा नहीं है, करेंगे तो इसमें हार्म हो सकता है, फिर भी आप दैट वन हैज बीन अवॉइडिंग, मतलब लोग उसको करना नहीं चाह रहे फिर भी उसको आप कर रहे हैं, उसको निर्णय लिए कि मैं कर दूंगा, तो बाइट द बुलेट बोलते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, है ना। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हमारा जो वर्ड है, आइए फिर आपको टाइम मिलता हुआ, आपके पास टाइम है, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड मतलब होता है फिर से शुरू करना, क्या करना फिर से, जैसे कैसे हम लोग कोई बाई हमें मूवी अगर हम मान लो देख रहे हैं और देख रहे हैं, उसके बाद 20 या 25 मिनट के बाद कोई आपका फ्रेंड आया तो फिर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हीरोइन कहना क्या चाह रही है, ये हीरो हीरोइन के खिलाफ क्यों बोल रहा है भाई, हीरोइन तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो कहानी वो समझ ही नहीं पा रहा कि मतलब ये किस मूड में है लोग या किस मूड में ये कहानी है, ना मूड पता चल रहा है ना मोड पता चल रहा है। तो आपने क्या किया यार इसको शुरू से फिर शुरू करते हैं, है ना, तब जाके मेरे को समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो गया कि टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, तो किसी भी चीज को फिर से शुरू करना, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, ठीक है ना। आपने बोला कि गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, दैट्स व्हाई आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द दिस फिल्म, है ना, इसको मैं समझ पाऊं। तो गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड मतलब फिर से शुरू करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ मैं जोड़ देता हूं, यहां पर 88 है, 88 नंबर, द एलिफेंट इन द रूम, द एलिफेंट इन द रूम, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका मतलब, तो इसका मतलब ये हो गया कि एलिफेंट द रूम आप समझ रहे हैं कि घर में और हाथी, घर ये छोटा है इसमें हाथी आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या आपके लिए क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। इसका क्या सेंस होता है, अ रिकरेंट प्रॉब्लम, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, द अनसीन नेगेटिव कंसीक्वेंस ऑफ समथिंग, ये नहीं है, द कॉस्ट इनकर्ड इज टकिंग एंड एक्सट्रीम स्टेप, ये भी नहीं होगा, अ बिग इश्यू दैट पीपल हैव बीन अवॉइडिंग, ये इसका सेंस हो जाएगा। इसका सेंस ये होता है कि मतलब कि एक बहुत बड़ा इश्यू है लेकिन लोग उसको क्या करते हैं, उससे मुंह मोड़ ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे जैसे कि मान लो कि दिस इज दहेज है, डर सिस्टम है, तो इसके बारे में सभी लोग बोलना चाहते हैं लेकिन हम लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से उसको इधर उधर सोचने लगते हैं। जैसे कि आपके घर में लड़की की शादी आ गई तो फिर आपको दहेज उस समय बहुत भारी लगने लगता है, बहुत बेकार, बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन आपके भैया की शादी होने लगी, घर में लड़के की शादी आ गई तो उस समय आप दहेज की जो एक नहीं साथ हो जाते हैं कि दहेज अच्छा है, ये है, हमको ये चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट चलाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, उस समय आपको दहेज अच्छा लगने लगता है। तो कुछ कुछ कोई ऐसा इशू मतलब जिस पे लोग बोलना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते हैं, द बिग इशू दैट पीपल हैव बीन अवॉइडिंग, मतलब वो है, वो इशू है, उसको इरेडिकेट करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, लेकिन हम लोग हटा नहीं रहे, उसके फेवर में कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसको मतलब फेवर में या उसके हटाने के बारे में बात ही नहीं कर रहा है ना, ऐसा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द एलिफेंट इन द रूम, इस तरह के सेंस को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, और इसी के जैसा सेम डायरेक्शन में सेम इंस्ट्रक्शन का ये भी क्वेश्चन है, कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है कि किसी भी किसी के इच्छा को पूरा कर लेना, और मतलब अच्छे तरीके से कोई काम करना, किसी की इच्छा पूर्ति करना, है ना, तो इसका सेंस हो जाएगा टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस एंड डू अ गुड जॉब, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपेंस को कम करना या अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ एक्सटेंसिव सब्जेक्ट, नहीं नहीं ऐसा नहीं, टू कम द मेन पॉइंट ऑफ अ डिस्कशन, ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब होता है कि टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस एंड गो एंड डू अ गुड जॉब, मतलब कि इच्छा को पूरा करना और अच्छे तरीके से काम करना, ये पॉजिटिव सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, कट द मस्टर्ड, है ना। चलिए आगे आते हैं और 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग। चलिए आपके पास भी टाइम है, क्लाउड्स ऑन द होरिजन, क्लाउड्स ऑन द होरिजन का हम लोग यूज कैसे करते हैं इस idioms का, देखिए इस idioms का हम लोग यूज तब करते हैं जैसे किसी चीज को आप करते हैं ना, देखिए इसका एक्चुअल सेंस क्या है, कोई काम आप करने जा रहे हैं और आपको एक डर सता रहा है कि ये मेरे से होगा नहीं होगा, जैसे कि इंग्लिश का आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको वर्ड्स कम याद है या फिर इंग्लिश में आपका पकड़ कम है तो आप उससे डर रहे हैं कि आगे चल के यार एग्जाम कोई भी देंगे हम तो इंग्लिश जो आएगा ना तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, हमको कम समझ में आ रहा है। किसी को मैथ के साथ ये होता है, किसी को रीजनिंग के साथ ये होता है, और अपने बिहार में जो बच्चे हैं जो मतलब कि खास करके सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े होते, सीबीएसई बोर्ड वाले कुछ हद तक कंफर्ट फील करते हैं, बाकी बिहार बोर्ड में चूंकि हम लोग जो एजुकेशन पॉलिसी है 10+2+3 तो उसमें इंग्लिश जो है वो क्या है अनकंपल्सरी है, मतलब सारे सब्जेक्ट में हैव टू पास एक्सेप्ट इंग्लिश, तो हम लोग उसको पढ़ते कम है तो जानते कम है, जानते कम है तो सीखते कम है, और सीखते कम है तो फिर उसमें पकड़ हमारी क्या होती है कमजोर हो जाती है।
तो आपने बोला कर यार इस चीज से मतलब किसी चीज का एक डर सताना, जैसे आप किसी से कोई गलती किए हैं भले वो आपको माफ कर दिया है लेकिन आपसे उसको मिलेंगे आप तो आपको एक डर सता रहा है कि यार मिलेंगे तो पता नहीं वो पहले वाली बात करने लगेगा ऐसे वैसे, मतलब कोई चीज आगे आपके आने वाला है जिससे आपको डर है कि एक समस्या बन के ये मेरे सामने आ सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड्स ऑन द होरिजन। अनप्लीजेंट वेदर नहीं है तो सीधा कनेक्शन ऐसा नहीं है, ट्रबल अहेड इसका हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ट्रबल अहेड। ठीक है चलिए फिर कुछ क्वेश्चन आपको मैं जोड़ रहा हूँ नए 91 to 95, और इसमें जो एक नहीं है क्या है कि हम लोग का ये जो क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को। चलिए बताइए वन ही यूजेस अदर्स वर्ड्स और आइडियाज एज हिज ओन, मतलब जो किसी दूसरे के वर्ड को, जो किसी दूसरे के वर्ड या आइडिया को क्या करता है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे साथ है, जो किसी दूसरे के वर्ड या आइडिया को क्या करता है कि मतलब एक तरीके से कहेंगे उसको चुरा लेता है और चुरा करके फिर वो अपना नाम दे देता है कि ये मेरा लिखा हुआ है। बहुत सारे आप लोग देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग जैसे कुछ लिखते हैं अपनी कलम से लिखते हैं, ठीक है मतलब अपने कलम से लिखने का मतलब कि अपने वो लिखते हैं, वो कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं होता है और फिर उसको लोग लिख करके अपने वॉल पे और डाल देते हैं, नीचे अपना नाम देते हैं, तो सामने वाला जब पढ़ता है तो उसको तकलीफ होती है, इसको हम लोग साहित्यिक चोरी बोलेंगे। मतलब आपका कोई समान आर्टिकल तो कोई लेके नहीं जा रहा है लेकिन जो एक नहीं आपके द्वारा जो एक नहीं कोई भी चीज लिखा गया उसको कोई चुरा लेता है। जैसे कि आप आए दिन सुनते आते हैं कि बहुत सारे गाने चोरी हो गए, मेरा गाना ये गा दिया, मेरा गाना वो गा दिया, मेरे मतलब की बातों को वो रख दिया, ये मैंने सुना था ऐसे वैसे, बहुत सारा ऐसा हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे साहित्यिक चोरी उसको बोलेंगे हम लोग। तो उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग उसको प्लेगरिस्ट, इसका मतलब साहित्यिक चोरी होता है। साहित्यिक चोरी मतलब कि कोई लिखा है और उसकी बात को आप जितने लिख दिए, लेकिन उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग भी अपने वॉल पे कुछ लिखते हैं तो कुछ लोग इधर उधर लिख देते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने एक लाइन लिखा था कि मैं कैसे कह दूं कि मेरा प्यार वेस्ट हो गया, मैं कैसे कह दूं कि मेरा प्यार वेस्ट हो गया, मैंने जब भी कुछ लिखा कॉपी पेस्ट हो गया। तो करने दीजिए, आपका सामान वसुधैव कुटुंबकम संसार ही परिवार है, है ना, आपका कोई लिखा हुआ ही ले लिया तो क्या ले लिया यार, है ना, लेने दीजिए उसी में वो खुश है। लेकिन उस लेने के क्रम को, लेने के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेगरिस्ट, इसका मतलब साहित्यिक चोरी हो गया। पोज का मतलब क्या होता है कि सैनिकों का कोई टुकड़ा खास, जो राइट वगैरह होता है ना कभी, जैसे कि कभी किसी के साथ दंगा वगैरह हो गया कहीं पर, तो उसके लिए एक स्पेशल सैनिक डिप्यूट करा जाता है कि आप लोग जाओ वहां पे इसको संभालो मोर्चे को, तो उस तरह के सेंस को हम लोग क्या बोलते हैं पोज बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, प्लेटिट्यूड, और यहाँ पर हम लोग का क्या है प्रैग्मैटिस्ट, इसका मतलब अभिमानी होता है, क्या होता है अभिमानी। अभिमानी मतलब क्या होता है, जो मतलब कि घमंड करे, ये निगेटिव वर्ड है अभिमानी, ये हम लोग का घमंड करना निगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का घमंड करना, ठीक है ना। और इसमें जो तीन वर्ड हम लोग देख लिए, एक और जो हम लोग का वर्ड है क्या हुआ वो है हम लोग का प्लेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड मतलब क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, प्लेटिट्यूड होना मतलब कि अभिमान होना, इस तरीके से भी इसका हम लोग मीनिंग निकाल सकते हैं। तो चार वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, पहला जो है इसका क्या मतलब हम लोग निकाल रहे हैं हम लोग साहित्यिक चोरी, दूसरा का मतलब क्या हो गया सैनिकों का टुकड़ा, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लेटिट्यूड मतलब अभिमान का सेंस तो यहाँ पे हमने बता ही दिया। प्रैग्मैटिस का मतलब, इसका मतलब ये हो सकता है विचारपूर्ण, है मतलब कि मतलब विचारपूर्ण से मतलब ये कि अपनी बातों को या थॉटफुल बोल सकते हैं इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में, है ना, ये बहुत कॉमन वर्ड है प्लेटिट्यूड, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं थॉटफुल यानी कि विचारपूर्ण, क्या बोल सकते हैं विचारपूर्ण, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया ए, क्या मतलब हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 पे, नेक्स्ट हम लोग किस पे आते हैं 92 पे, एन इमेजिनरी नेम यूज्ड बाय एन आर्टिस्ट और ऑथर। चलिए इसके लिए भी आपको टाइम मिलता हुआ 30 seconds, उसको क्या बोलते हैं, इसको दिया गया कि एन इमेजिनरी नेम यूज्ड बाय एन आर्टिस्ट और ऑथर, मतलब जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारे राइटर ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर आप बोलते हैं जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उन्होंने अपना लास्ट में क्या जोड़ दिया निराला जोड़ दिया। जैसे आप लोग भी होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना आपका जो ओरिजिनल नाम है वो होता ही होता है और आप उसमें कुछ जोड़ देते हैं लास्ट में, है ना जी,
लास्ट में जोड़ देते हैं, वो आपको एक खास बना देता है, और उससे आपकी अलग जो कि आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, या ऐसे भी आप नहीं भी लिखते पढ़ते हैं तो भी आप अपने नाम को कुछ और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, या आप जो कि अपने अपने एटीट्यूड से उसको मैच करते हुए कोई नाम आप रख देते हैं, या आपको अच्छा लगता है तो भी रख सकते हैं, उपनाम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हम लोग का वर्ड है साइकोपैथ, इसका मतलब क्या होता है, मनोरोगी होता है ना, मनोरोगी मतलब मानसिक रोग से मतलब जो बीमार है, ठीक है ना। और यहाँ पे सियोडोनिम मतलब होता है हम लोग का वही उपनाम, तो हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, बी कर लेंगे इसका आंसर। और यहाँ पे जो हम लोग का आगे है पोस्थमस, इसका मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत मतलब समझ रहे आप लोग, मतलब मरने के बाद में, ठीक है ना। अब पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखा गया है उसके बाद उसमें कोई चीज जोड़ा जाता है, जैसे कोई स्क्रिप्ट समझते हैं ना हम लोग, कोई कहानी वगैरह हो गया तो वो ऑलरेडी पहले मेंशन है और उसके बाद हम लोग उसमें कुछ जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। बी मतलब उपनाम है ना, उपनाम, जैसे कि मैंने बताया ना सूर्यकांत त्रिपाठी, तो उसमें अलग से लग गया निराला, इस तरह का लिखा गया ना, इमेजिनरी नेम यूज्ड बाय एन आर्टिस्ट और ऑथर, खास करके ऑथर के और आर्टिस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं शौकीन, कुछ ना कुछ अपना जोड़ते हैं। आइए आगे हम लोग आगे देते हैं, विद लिटल और नो प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब या तो कम तैयारी है या नहीं के बराबर तैयारी है उसको जितनी पहले से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सोनरेट लिखा गया, एक्सोनरेट का मतलब दोष मुक्त करना होता है, दोष मुक्त करना, ये तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। एक्सोडोंटिस्ट का मतलब होता है कि खास करके जो दांत वगैरह को उखाड़ने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, दांत में दर्द है उसको निकाल के फिर दूसरे दांत को लगाते हैं, तो जो दांत वगैरह उखाड़ने वाले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं तो उसको हम लोग एक्सोडोंटिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सोडोंटिस्ट बोलेंगे। और जिसके पास मतलब कोई भी प्रिपरेशन नहीं है तो उसको हम लोग स्ट्रिम्पोर्ट बोलेंगे, यानी कि इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सी, सी कर लीजिए इसका आंसर। 93 का आंसर हम लोगों ने सी कर लिया है। और ये जो टर्म हम लोग का है एक्सट्रेडिएट, एक्सट्रेडिएट ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ये समझ रहे हैं आप लोग, ये देखिए जैसे क्या होता है कि कोई देश वगैरह से भगौड़ा है, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है कि जैसे कि वो उसको फिर अपने, जैसे कि कोई पाकिस्तान का है और फिर जो हम लोग लिखे हैं ना एक्सट्रेडिएट, तो इसका मतलब होता है कि उस भगौड़े को फिर मतलब उस अपराधी को फिर वहीं पे दे देना, मतलब उसको हम लोगों ने कुछ दिन रखा, जो भी उसका सजा हुआ उसको सजा दिए। बहुत सारे ऐसे होते, सुने हुए केस वगैरह आप लोग, कि 40 साल के बाद आया, 20 साल के बाद आया, 10 साल के बाद आया, है ना, बहुत सारे लोग पंजाब वगैरह में आए थे, आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना होगा। तो ऐसे ऐसे को हम लोग, इस तरीके के प्रोसीजर को हम लोग एक्सट्रेडिएट बोलते हैं, एक्सट्रेडिएट, एक्सट्रेडिएट मतलब वही जो किसी को अपराधी वगैरह है दूसरे देश का है तो आप मतलब उसको अपने यहाँ रखे और उसका सजा पूरा हो गया तो यहाँ की नागरिकता तो उसको नहीं दी जाएगी, तो उसको वहां पे भेज दिए हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रेडिएट। तो इसका हम लोग आंसर क्या कर लेंगे, एक्सट्रीम प्योर, है ना, ये सी आंसर कर लेंगे, मतलब किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं। आगे 94 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना। तो यहां पर टू मेक अमेंड्स फॉर वन्स मिस्टेक, टू मेक एक्सपे, टू मेक अमेंड्स फॉर वन्स मिस्टेक 94, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मैच कर रहे थे क्या, ये वर्ड था ना इसमें, नहीं एक्सट्रेडिएट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है। चलिए 94 में आते हैं, 94 जो है, 94 क्वेश्चन आपके साथ है। चलिए फिर से आपको यहाँ पर 30 सेकेंड्स मिलता हो, बताइए जल्दी से 94 आप लोग पहले पढ़ेंगे इत्मीनान से और पढ़ के सभी लोग बताइए। चलिए आपको टाइम मिलता हुआ तो टू मेक अमेंड, अमेंड मतलब क्या होता है, सुधार करना होता है ना, सुधार करना होता है। ये जो 30 मिनट सेकेंड्स है आपके पूरे होते हुए, पहले इसको मैं पूरा करवा लूं आपको, यस। चलिए आगे 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 आगे, इसका मतलब क्या होता है, अमेंड मतलब सुधार करना, गलतियों का सुधार करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक्सपिएट मतलब होता है वही शुद्ध करना, सही करना,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध करना, गलती का सही करना, शुद्ध करना इसका परिष्कृत करना या शुद्ध करना इसका मतलब होता है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक्सपीडिएट मतलब क्या होता है, शीघ्र होता है, क्या होता है शीघ्र, शीघ्र मतलब समझते हैं ना, शून्य, शीघ्र मतलब शून्य, जल्दी से। और यहाँ पे एक्सपुरगेट है, एक्सपोगेट मतलब क्या होता है, एक्सपोगेट का मतलब होता है जैसे मान लो कि कोई आदमी कोई नॉवेल लिखा, ठीक है ना, कोई कहानी लिखा, तो जब उसको फाइनलाइज करता है या कोई भी आपने नोट्स बनाया तो उसको जब फाइनलाइज करते हैं एक बार उसको पढ़ते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं ये जो है कि नहीं अननेसेसरली यूज हो गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग परिष्कृत करके उसमें से हटा देते हैं, मतलब वो है तो सही लेकिन उसकी वहां पर जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग वहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं, फिर उसको अनुवाद करते हैं या मतलब बदलते हैं। तो उस तरीके के मतलब किसी चीज को फाइनलाइज करना के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सपोगेट का यूज करते हैं। एक्साइल मतलब हम लोग समझते हैं, एक्साइल का मतलब होता है वनवास, इसको बोल सकते हैं या देश निकाला बोल सकते हैं, मतलब कि कहीं कोई है और उसको वहां से आप हटा देते हैं तो दूसरे जगह वो चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइल बोलेंगे। तो वनवास हो गया इसका मतलब, या निर्गमन बोल सकते हैं, या फिर देश निकाला इसको हम लोग बोल सकते हैं, देश निकाला, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपको ये तो शीघ्र हो गया, ये दो वर्ड आपको काफी आसपास लगते होंगे, एक्सपिएट और एक्सपोगेट, है ना, दोनों एक साथ लगते होंगे, लेकिन दोनों में क्या अंतर मैंने बताया, गलती का सुधार करना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपिएट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपिएट। लेकिन ये गलती का सुधार नहीं, जैसे कि कोई चीज है आप उसमें अनावश्यक कोई चीज आ गया है तो उसको हम लोग हटा दे, मतलब वो रहेगा भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं, है ना। तो वो हटा रहे हैं मतलब वो गलती का सुधार नहीं कर रहे, बल्कि वो सही है लेकिन उसकी जरूरत वहां पे नहीं है, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोगेट बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपिएट करेंगे, ठीक है। 94, चलिए 95 क्वेश्चन नंबर 95 फिर आपके साथ जो एक नहीं वही 30 सेकेंड्स आपके साथ मिलता हुआ, चलिए 30 सेकेंड्स आपको मैं दे रहा हूं, पहले सबसे पहले 30 सेकेंड्स ये आपके साथ, जल्दी से देखिए आप लोग। ए फील और डिस्कम्फर्ट whose cause is hard to identify, बताए, चलिए बताइए 95 में, 95 में आप क्या कर रहे हैं। यहां पर जो हम लोग का वर्ड है मीनेस, इसका मतलब होता है खतरा, इसका मतलब क्या होता है, डेंजर, है ना, क्या हो जाएगा, खतरा, है ना, खतरा। उसके बाद मेलियाइज का मतलब होता है वही अस्वस्थ, अस्वस्थ, तो अस्वस्थ जैसा यहाँ पर मीनिंग है, यहाँ पर मतलब कि फील ऑफ डिस्कम्फर्ट हुज कॉज इज हार्ड टू आइडेंटिफाई, मतलब कि जिसका पता लगाना क्या है, मुश्किल है। और डी बैकल मतलब क्या होता है, पराजय होता है, क्या होता है, पराजय। और मैग्नेट का मतलब यहाँ पे रईस से है, ठीक है, रईस, कोई मतलब आदमी रईस टाइप का है उसको हम लोग मैग्नेट बोल सकते हैं, तो मैग्नेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे, हम लोग मेलाइज कर लेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या कर लेंगे, हम लोग बी कर लेंगे। 95 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बदलता हुआ यहाँ से, यानी कि यहाँ पर हालांकि ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये बहुत हमको अटपटा लग रहा है, पता नहीं आप लोग को क्या लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से सवाल नहीं रहते हैं, हमको लग रहा है ना, सवाल में वेरिएशन कुछ अलग होते हैं। यहाँ पर पांच पांच क्वेश्चन अलग टाइप का एनडीए टाइप से दे दिया गया, पांच ब्लैंक्स का दे दिया गया, पांच इडियम्स का दे दिया गया, पांच कॉमन एरर का दे दिया गया, है ना, और पांच जो है कि नहीं फ्रेजेस डाल दिए गए, इडियम्स डाल दिए गए, फिर भी जो है ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन दे दिया गया है और यहाँ पे ब्लैंक्स में करना है। आई फाउंड द रूल्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वर टू स्ट्रिक्ट एंड इट्स कोर्स ऑफ स्टडी टू ब्लैंक्स फॉर अ चाइल्ड और फॉर एस आई टूक हर होम विद मी। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेंटेंस ऐसा कभी पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, टू स्ट्रिक्ट एंड इस कोर्स ऑफ स्टडी टू टू टू, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए बताइए 96 में हम लोगों को क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इसमें कठिन से मतलब है ना, कठोर से मतलब है ना,
तो सीवियर का मतलब क्या होता है? कठोर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। और कर्सरी का मतलब क्या होता है? सतही होता है। और ये जो इनमैटिक वर्ड है हम लोग का, इसका मतलब रहस्यपूर्ण होता है, रहस्यपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हम लोग कर लेंगे? 96 का आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? ए कर लेंगे, 96 का आंसर ए। इसका मतलब जो है कि नहीं, सीवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफी अत्यधिक कठोर, कठोर इसका मतलब होता है। और ड्रेस्टिकली वर्ड है, ये भी वेरी कॉमन वर्ड है, इसका मतलब अत्यधिक होता है, अत्यधिक। तो हम लोग मीनिंग क्या पढ़ेंगे? आई फाउंड द रूल्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वर्क टू स्ट्रिक्ट एंड इट्स कोर्स ऑफ स्टडी टू सीवर। सीवर मतलब सख्त हो गया या कठोर हो गया। तो ये बाकी तो मीनिंग हम लोग यहाँ पे पा नहीं पड़ा है। इसका आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? ए। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी वर्ड इसमें देखिए, रहस्यमय, तो रहस्यपूर्ण इसमें कर्सरी सूट नहीं कर रहा है, ये नहीं सूट कर रहा है। यहाँ पर जो है ये अत्यधिक इसका सेंस है, लेकिन ड्रेस्टिकली यहाँ पे टू ड्रेस्टिकली नहीं, बल्कि टू हम लोग क्या लिखेंगे? सेवर। सेवर का मतलब क्या होता है? कठोर, जो मतलब ये पॉजिटिवली भी हम लोग यूज करते हैं ड्रेस्टिकली को, और कठोर जो है नहीं, सख्त इसका मतलब होता है। मतलब ये निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर हम लोग को निगेटिव वर्ड को यूज करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें सीवर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कि शी सून सेटल्ड इन हर न्यू, हर न्यू। यहाँ पे हम लोग को एडजेक्टिव है ये, या पॉजिटिव पोजिशन। यहाँ पर हम लोग यहाँ से भी देखेंगे तो एक हम लोग को नाउन चाहिए, यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए? नाउन होना चाहिए। ड्वेल मतलब रहना, ये वर्ब है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट बेगर, मतलब भिखारी होता है। और डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? अनाथ होता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, किसकी अर्गट मतलब क्या हो गया? रहने का जगह, रहने का जगह, ये बॉडी हो जाएगा ना। जैसे सी सुन सेटल, सेटल हो गई इन हर न्यू अबॉड, न्यू अबॉड मतलब क्या हो गया? नए। ड्वेल मतलब रहना होता है ना, और अबॉड का मतलब रहने की जगह। तो बाकी तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसमें इसका मतलब ही नहीं बनता है। ये दोनों वर्ड आखिरी मतलब आसपास के हैं, मतलब इसमें ड्वेल और अबोर्ड आसपास के हैं। तो यहाँ पे ड्वेल मतलब रहना होता है, जैसे कि शहर में जो रहता है उसको हम लोग टाउन ड्वेलर बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्वेल मतलब जब रहना होगा तो ड्वेल की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, यहाँ पे हम लोग को नाउन चाहिए, इसलिए रहने की जगह को क्या बोलते हैं? अबोर्ड। यहाँ पर हम लोग अबोर्ड कर लेंगे, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था ना हम लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ही वुड हैव लेट द हाउस but could find no blanks in consequence of its invisible and in severus sight। इसका मतलब बीमार से होता है ना। चलिए तो हम लोग देखेंगे इन सेलेबरिस, वरियस का मतलब क्या होता है? इन सेलेबरियस मतलब बीमार है ना, बीमार, जो अच्छा नहीं है। तो ऑक्यूपाई मतलब जगह छेकना या रहना होता है, ये हम लोग का वर्ब है। यहाँ पे नो लगा है, नो हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम लोग को कोई ना कोई नाउन ही चाहिए। क्या चाहिए? नाउन। अकुपाई तो होगा नहीं। और इन्फॉर्मेंट मतलब क्या होता है? कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेंट बोलेंगे। तो ये तो नाउन है हमारा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं है कि संदेश को इधर से उधर पहुंचाना है। और फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है? खुला हुआ, खुला हुआ है ना, खुला हुआ को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैग्रेंट। और टिनेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेंट होता है, मतलब कि जो रहता है। यहाँ पे हम लोग का मतलब किराएदार भी आप बोल सकते हैं, टिनेंट को किराएदार भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जो जगह को ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपेंट बोलिए चाहे टिनेंट बोलिए। यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना, घर की बात रहने की हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाकी तो मीनिंगफुल है ही नहीं। चलिए 98 के बाद, 98 के बाद 99, दो क्वेश्चन और है, फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आइए 99 जो क्वेश्चन है, टाइम आपको याद रखना है। बीच बीच में मैं टाइम को इंडिकेट इसलिए कर रहा हूं कि आप जो इतनी टाइम को भूले नहीं, टाइम से बनाए। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। द लास्ट माइल आई वॉक हैविंग डिसमिस्ड द सेस एंड ड्राइवर विद डबल डबल द आई हैड प्रोमिस्ड, मतलब जो वादा किया था उसे वो डबल जो है कि नहीं क्या कर लिया, ले लिया है ना, जो मैंने वादा किया था। टाइम हो गया है, चलिए बताइए। इनकम, इनकम को ले लिया, इनकम को ले लिया, नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या? इनकम को ले लिया, तो यहाँ पे तो इनकम, इनकम मतलब जो आपके पास आए हैं, तो आप उसमें से जैसे आपके पास 100 रुपए है तो कहीं किसी को हम लोग फेयर देते हैं,
तो जरूरी कि 100 ही पूरा दे देंगे, मतलब आप 50,000 रुपए महीने कमाते हैं, यहाँ से बोरिंग रोड से घर गए तो 50,000 थोड़े देते, उसमें से कुछ हिस्सा देते हैं, है ना, मतलब जो आप काम किए उसके बदले में एवज, उसको पारिश्रमिक बोलते हैं हम लोग। ऐसे आप जो कहीं भी जाते हैं तो किसी से कोई सर्विस लेते हैं, सर्विस के बदले में कुछ पैसे देते हैं, उसको हम लोग पारिश्रमिक बोलेंगे, इनकम तो बोलेंगे नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो गर्ज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ईष्या होता है, क्या होता है ईष्या, मतलब किसी से कोई जलन ईष्या रहेगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पे सी में हम लोग का रिम्यूनरेशन है, रिम्यूनरेशन जो वर्ड है ये बहुत ही वह आसान वर्ड है, मतलब कि बहुत आसान से मतलब है कि कॉमन है, आप लोगों ने इसको कई बार देखा होगा, रिम्यूनेट करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप वहां पर जाएंगे तो कोई काम करेंगे तो आपको वहां पर रिम्यूनेट भी किया जाएगा, मतलब जो आपको पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा, तो पारिश्रमिक हो गया, ये नाउन है, और यहाँ पे द नाउन ही हम लोग का होना चाहिए था, तो ये सही हम लोग देख पा रहे हैं, रिम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ड है कंसर्नेशन, इसका मतलब होता है आतंक, क्या इसका मतलब होता है आतंक, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, द लास्ट माइल आई वॉक हैविंग डिसमिस्ड द चेस एंड ड्राइवर वी डबल द मतलब वो डबल कर दिया, 100 रुपए में बात हुई थी तो उसने क्या कर दिया उसको 200 कर दिया, इस तरह का इसमें सेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सी कर लेंगे, क्या कर लेंगे सी, बाकी तो आप देख रहे हैं कहीं से कोई सेटिंग में मतलब सेंटेंस के आंसर में सुटेबिलिटी पा ही नहीं रहा, इनकम और रिम्यूनरेशन की थोड़ी सी जो है कि नहीं गुंजाइश बनती है एक दोनों का एक साथ आना, लेकिन इनकम वहां पे पॉसिबल नहीं है, इनकम हम लोग नहीं देते हैं बल्कि उसका पारिश्रमिक देते हैं जो कोई काम किया है ना ड्राइवर को, ऐसे करके। आखिरी क्वेश्चन आपके साथ मैं जोड़ रहा हूं, बताइए यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन में फिर से मैं आखिरी बार आपको टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, पहले आप 30 सेकेंड्स देख लीजिए, 30 सेकेंड्स आप देखिए फटाफट, 30 सेकेंड्स आप देख लेते हैं देन हम लोग डिस्कस करेंगे, जल्दी से देखिए। इसमें सारे वर्ड आपको करीब करीब जो आंसर में है वो जाने पहचाने हैं। दिस पार्लर लुक्ड, लुक्ड मतलब हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, वर्ब को क्वालिफाई या ये टाइम हमारा जो है नहीं होता हुआ, 30 सेकेंड्स काफी है क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे, यस। अब देखिए यहाँ पर लुक्ड हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है दैट इज ये एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पर, एडवर्ब की गुंजाइश है, मतलब कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो पहले ये चीज पे भी आपको फोकस करेंगे ना कि यहाँ पे आएगा क्या, तो उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा बढ़िया सोच पाएंगे, है ना, उसके हिसाब से ही चलेंगे तो ज्यादा पकड़ ज्यादा बनेगा आपको। यानी कि यहाँ पे लुक्ड हमारा वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, यहाँ पे हम लोग को एडवर्ब को यूज करना चाहिए, दिस पारा लुक्ड, अच्छा अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पर अ नेग्लेक्ट फायर बर्न फ्लो इन द फेयर, ओहो यहाँ पर हम लोग पार्लर के हिसाब से चलेंगे, यानी कि एडजेक्टिव आना चाहिए बालक, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, दिस पार्लर लुक्ड ये, मतलब पार्लर दिखता है ऐसा, तो यहाँ पर पार्लर को क्वालिफाई कर रहा है लुक्ड को नहीं, यहाँ पर लुक्ड क्वालिफाई नहीं कर रहा है पार्लर को कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे एडजेक्टिव का, ठीक है, तो पार्लर के अकॉर्डिंग पार्लर को जो क्वालिफाई करेगा, यहाँ पर क्या है ग्लूमीली, ग्लूम मतलब क्या होता है, ग्लूम हम लोग वर्ड जानते होंगे, ग्लूम मतलब अंधेरा या कष्टमय, ऐसा दुख है ना, ग्लूम का मतलब उदासीन, ऐसा मतलब होता है, तो ये तो नहीं होगा चूंकि यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब हम लोग नहीं करेंगे, ये हटाइए। उसके बाद यहाँ पे आगे जो वर्ड है पर फंक्शनरी, इसका मतलब असावधान होता है, किसी भी चीज में मतलब आप तत्पर नहीं है या इंटरेस्ट नहीं दिखलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असावधान, तो असावधान यहाँ पर तो पार्लर है तो असावधान इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है ना। उसके बाद मेजरली, मेजरली मतलब क्या होता है, माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस, कंजूसी से हो गया इसका मतलब, कंजूसी से, है ना, मेजरली। उसके बाद डिसोलेट, डिसोलेट का मतलब क्या होता है, वीरान हो जाना, है ना, वीरान या सुनसान होना, सुनसान होना या किसी चीज से कोई चीज उजड़ जाना, अच्छा नहीं लगना, उजाड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जलने की बात हो रही है तो उसमें पार्लर अब क्या दिखने लगा, वीरान दिखने लगा, और ये एडजेक्टिव है भी हमारा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे, डी। तो 100 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए चूंकि मैं पहली बार जब पढ़ाते हैं ना तो दिस पार्लर लुक्ड, तो मेरे को लुक्ड के हिसाब से मैं देख रहा था, लेकिन यहाँ पे पार्लर कैसा दिखता है तो पार्लर को क्वालिफाई करना है ना,
इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एडवर्ब नहीं, बिल्कुल एडवर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हालांकि आगे से जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़े से उतने मतलब कि सिक्वेंस में नहीं है जो CHSL का एग्जाम होता है, लेकिन कहीं से कहीं ना कहीं किसी पेपर से अगर लिया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो CHSL का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से क्वेश्चन के पैटर्न थोड़े से और मतलब कि इसमें चार ही तरह के, टोटल पांच तरह के क्वेश्चन ही जुड़े हैं हम लोग के, और भी इसमें क्वेश्चन जो नहीं कुछ आते हैं, जैसे कि वॉइस से क्वेश्चन जरूरी से CHSL में पूछा जाता है, CHSL में क्वेश्चन नरेशन से जरूरी से पूछा जाता है, कुछ छोटे मोटे रिअरेंजमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये दो तीन चीज को हम लोग इस पूरे क्वेश्चन में मिस किए हैं, मतलब ये भी क्वेश्चन हम लोग के होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसमें नहीं देखे, इसको हम लोग मिस किए हैं। ऐसा होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आए और आगे से जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे तो उसको ठीक प्रीवियस ईयर के सेट में से सेम उठाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप जो इतनी रियल पैटर्न पे प्रैक्टिस कर सके। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना और पैटर्न पे प्रैक्टिस करना बोथ आर डिफरेंट, नॉट सेम, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जब एग्जाम हम लोग को देना होता है और CHSL का एग्जाम आप लोगों ने 4th of January तक फॉर्म को भर लिया है, तो अब एग्जाम आपको देना है, तो आप एग्जाम के रियल पैटर्न पे अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। मतलब रिजल्ट आप देंगे अगर आप पढ़ते हैं सेम पैटर्न पे, तो है ना। तो आगे से इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि जितने पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस आने के हैं, या फिर पॉसिबिलिटीज की बात ही हटाइए, प्रीवियस ईयर के सेम क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे कि डालेंगे सेम क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम हुआ है तो उससे क्या होगा कि आप एक जितनी रियल पैटर्न को देख पाएंगे और क्वेश्चन के लेवल को समझ पाएंगे और उसी दिशा में अपनी तैयारी को करेंगे। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने किया और ये डिस्कशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टीचर को ऐसा भी लगता है कि ये कॉमन है, वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको कोई वर्ड उसमें आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए नया है, तो आप क्या करेंगे उसको पूछेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कमेंट करके पूछेंगे, फिर से उसको जिक नहीं देखा जाएगा और फिर उसके आपके कमेंट के हिसाब से फिर से आंसर करा जाएगा, ताकि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मजबूत हो और क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगले प्रैक्टिस सेट को आपको आपके साथ जोड़ेंगे। आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू।